बजे जाना तीर बे मिलते हो के बनता बन एक बिस्कुट लेने चाहे तो जांगे भी नी आ बच्चे वास्ते भी ये लेंगे भी नहीं दे ती रपए हो सवेरे ये बिंद के लेट होा त्यार करना बच्चे नहीं खा ज रप कुछ नी है जप कुछ भी मोर देन एट लैख स्टूडेंट बेनिफिटेड इन मिड डे मील इन जे एंड के ये एक रिपोर्ट है एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आठ लाख ,00 से अधिक बच्चों ने जो है मिड डे मील के माध्यम से बेनिफिट अभी तक जे एंड के में हासिल किया है उनको अगर सफल बनाया है तो इन महिलाओं ने बनाया है, जो मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी ही एक जो है कोशिश की वजह से एक पहल की वजह से अगर जे एंड के में इस तरह की रिपोर्ट जो है पब्लिश की है सरकार ने तो इन्हीं के माध्यम से वो स्कीम जो है सफल बनी है और वही महिलाएं महिलाएँ मिड डे मील के तहत जो पहले तो एस के अंडर जो है ये महिलाएं जो थी वो लगी थी और एक हज़ार रुपये प्रति माह जो है इनको तनख्वाहें मिलनी थी लेकिन अफसोस के आज ये महिलाएं अपनी तनख्वाहों की वागुजारी के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये इन लोग इन महिलाओं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से इनकी सैलरी जो है वो पेंडिंग है और क्यों ये यहाँ पर आज जो है जमा हुई है और यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग भी की और मीटिंग में ये पाया कि अगर हमारी बात आगे सरकार नहीं सुनती है यकीन ये ये महिलाएँ जो है सड़क पर उतर कर जो है वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगी और साथ में इनका यह भी कहना है कि लगातार जो है हमने यहाँ पर प्रशासन से भी मांग की कि हमारी तनख्वाही की वागुजारी करें और यहाँ पर लगातार जो है हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर वही महिलाएं है जो हैं आज यहाँ पर जमा हुई हैं सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुई हैं तो फिर उस नारे जो नारे दिए जाते हैं आश्वासन दिए जाते हैं उन आश्वासनों का क्या और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कैमरा पर्सन को मैं कहना चाहूँगा वो इस तरफ भी आपको दिखाएँ कि यहाँ पर किस तरह से महिलाएं जो है यहाँ पर पहुँची हैं और छोटे मासूम बच्चों को लेकर जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर जमा हुई है और मैं आपको बता दूं इस समय मैं शीतल नगर में मौजूद हूं बसोली के शीतल नगर में यहां पर मौजूद हूं और यहां पर ये तो महिलाएं जो है जमा हुई आए इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं आखिर इनका क्या कुछ कहना है जी अपना नाम बताएं और क्यों जमा हुई है तनखाई आज बता नहीं कब से बंद है

ਸਾੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੜੀਆ ਤਨਖਾਹ ਜੜੀਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜੀ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸਾੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪਤਰੇ ਰਸਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਏ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਸਾੜੀ ਜੀ ਹਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੁਣ ਆਪੂ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਇ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾੜੀ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸੁਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਤੋ ਅਗੇ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਗ ਫਿਰ ਅਗੇ ਦੇਖਨੇ ਅਗੇ ਹੋਰ ਜਨਿਆ ਕੋ ਸੁਣਾਈ ਸਕਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ये धरना 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 क्या क्या रोड 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 पे लगाएंगे क्या आ, रोड़? हाँ। रोड़ में लगाएंगे लगाएंगे में में सारा सारा कुछ करेंगे सारा कुछ करेंगे करेंगे सरकार नहीं सुनेगी ना अभी तो हजार में, पे दो हजार नाम नीलम कुमारी और मैं सलान स्कूल यूपीएस सलान स्कूल में कुक हूँ और हमारे तनखा मार्च में पड़ी थी मार्च के बाद दस हज़ार मिला था हमें इस साल का दस हज़ार मिला था उसके बाद अठारह सौ उसके बाद दिया गया उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं आई और हमारी तनखाई बढ़ाई जाए तीस रुपये का कुछ नहीं बनता हम घर कैसे चलाएं और अपना परिवार और बहुत से काम होते हैं घर में करने पड़ते हैं हम घर घर की मजबूरी होती है ना हम घर के रहते हैं ना गार्ड के ना हम ड्यूटी करने नौकरी करने के नौकरी कर सकते हैं ना तो हम घर में खेती कर सकते हैं इसके बारे में हम बता हम क्या करें हमें बताया जाए सरकार की हम नौकरी करें या घर में करें प्रधानमंत्री तो बहुत बोलते हैं गरीब की हम हेल्प करें ये दे रहे हैं हम मदद कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें महिलाएँ के लिए हम बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं तो कुछ नहीं दे रहे हैं हमारे बारे में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमें तो हज़ार रुपया मिलता है साल का दस हज़ार मिलता है और मंथ में हज़ार रुपया मिलता है वो भी टाइम से नहीं मिलता से आपका घर का गुजारा बसर होता है नहीं जी नहीं जी होता हम खेती करते हैं और बहुत से काम करते हैं आठ बजे हमें बायोमेट्रिक सिस्टम चालू कर दिया और ढाई बजे तक हमें ड्यूटी देना पड़ता है हम क्या करेंगे उसमें और यहाँ पर आपने सुना कि जिस तरह जिस तरह से इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के बायो माध्यम से इनको जो है वहाँ पर अटेंडेंस दस बजे लगाने पड़ती है इन मुलाजमों के लिए भी जो 1000 हज़ार प्रति माह के पर जो है वो स्कूल में काम करती हैं अगर इन महिलाओं को भी बायोमेट्रिक के अंदर लाया गया तो बड़ी शर्म की बात है कि वो हज़ार रुपये भी इनको जो है प्रति माह नहीं मिलता है और उनका ये कहना है कि वो भी कुछ दिनों से पेंडिंग है और उनकी ये भी मांग है कि हमारी तनख्वाहें जो हैं उन, उनको बढ़ाया जाए और ताकि हम अपना घर का गुज़र बसर बड़ी आसानी कर, से कर सके और इनके महलों का यह भी कहना है कि घर के और भी काम काज होते हैं महिलाओं को क्योंकि पहाड़ी जो इलाका है देहाती जो इलाका है वहाँ पर बहुत सारे महिलाओं के घर के काम भी होते हैं और अक्सर ये पाया जाता है कि देहातों में कि महिलाएँ ही घर की जो है वो सारा काम करती हैं लेकिन ये महिलाएँ आखिर कहाँ जाएँ क्योंकि एक हज़ार रुपये में आज के ज़माने में अगर हम देख देखें तो इस समय महंगाई जो है अरूज पर है या यूं कहें कि महंगाई ने आम गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है क्या सरकार यही सोच रही है यही चाहती है कि इस तरह से इन गरीब लोगों की कमर तोड़ के रख दी जाए और यही मांग करना चाहती हैं ये भी कि हमारी तनख्वाहें जो हैं बढ़ाकर और जो इस महंगाई वाले दौर में हम भी घर का गुजारा बसर बड़े आसानी से कर सकें अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आगे सरकार इनकी बात को सुनती है और रखती है या आने वाला वक़्त ही बताएगा फिलहाल इन इन महलों का यह भी कहना है कि अगर हमारी बात को सुना नहीं जाता है हम सड़क पर उतरने पर भी आमादा हैं और सड़क पर उतर जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे